या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी पुणेकर भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आणि उपस्थित सर्व पुणेकर बंधु संगिणींना माझा नमस्कार। वैसे मराठी पूरा समझती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, लेकिन सॉरी, पुणे में आके मैं आपसे हिंदी में बोल रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज यहाँ परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का नाम इस रास्ते को दिया जा रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है और बहुत खुशी हो रही है। नाम समिति के जो सदस्य हैं तथा यहाँ के जो कार्यक्षय नगर सेविका हैं श्रीमती रेखा टिंगरे जी और चंद्रकांत टिंगरे जी और सहज योग परिवार के सभी सदस्य जो यहाँ हैं, आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। परम पूज्य श्री माता जी का नाम हम इस वक्त ये देंगे उनके उस महान कार्य का यथेचित गौरव। वैसे तो श्री माता जी पूरे विश्व के लोगों की माँ हैं, पर मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि वो तो पुणेकर भी हैं, उनका घर यहाँ पुणे में है, तो उनके उसके लिए एक सेलिब्रेशन हो जाए। माता जी अपने कार से पूरे विश्व के साधकों को अपने उत्थान का सहज मार्ग दिखाया और वसुधैव कुटुंबकम के इस वैदिक की संकल्पना को मूर्त रूप दिया और संपूर्ण विश्व में अपने प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, शांति उसे स्थापित किया। और इसी महान विभूति का नाम आज हम इस रास्ते को देने जा रहे हैं या देंगे या दे चुके हैं, उसके लिए प्लीज आप सब जानते हैं कि माता जी यहाँ क्यों आई, जानते हैं ना? जब जब धर्म का ग्लानि होता है, धर्म के नाम पे इंसान गलत चीज़ें करते हैं, तो इस धरती पर सच्चे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरण होते हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, यीशु मसीह, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर साहब, ऐसे कई अवतरणों ने इस धरती पर अवतरण लेके लोगों को उद्धार का सही मार्ग दिखाया। ठीक वैसे ही परम पूज्य श्री माता जी ने अवतरण लेके इस सृष्टि में हम लोगों को प्रेम और सद्भाव का मार्ग दिखाया, विश्व निर्मल धर्म का स्थापना किया और इस विश्व के सभी मानवकों साथ में एक सूत्र में बांध दिया। आप चाहते थे कि मैं अपने अनुभव प्रकट करूं,
या मेरे एक्सपीरियंस, मुझे लगता है ये सही मंच नहीं है उसके लिए। आज हम माता जी का नाम ही लेने आए हैं और आज परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के नाम पे ये जो फलक लगा के हम ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आने वाली कई सालों तक श्री माता जी के परम आदरणीय और आदर्श व्यक्तित्व का ये नाम फलक प्रेरणा देते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी का आभार, जो भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री माता जी। हेलो दीदी, आपका श्री माता जी के साथ का जो एक्सपीरियंस रहा है बचपन का, वो एक थोड़ा सा चंद शब्दों में आप बयान करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हेलो, 15 साल की उम्र में मैं दिल्ली में रहती थी, न्यू दिल्ली में। माता जी के सामने मुझे नृत्य करने का अवसर मिला। उस वक्त सहज योगी नहीं थी, पर माता जी ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। उसके बाद मिस इंडिया बनी, फिल्मों में आई, शादी हुआ, बच्चे हो गए, बूढ़ी हो गई, अब जाके कुछ सालों से सहज योग में मैं आई हूँ और आशा है कि माता जी का वो आशीर्वाद जो मिला वो हमेशा बरकरार रहेगा। दीदी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत कम शब्दों में लेकिन इतनी अच्छी तरह से माता जी के बारे में बताया। तो दीदी का यहाँ पे एक छोटा सा प्रेम से हम लोग एक गिफ्ट पुनः सहयोग कलेक्टिव की तरफ से देना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमसे ये प्रेम का ये गिफ्ट वो स्वीकृत करें। संपूर्ण पुणे सहयोग सामूहिक परिवार की तरफ से ये गिफ्ट दीदी को दिया जा रहा है और हम देखने में इच्छुक है कि इसमें क्या छुपा हुआ है। कृपया उसका अनावरण कीजिए। थोड़ा इस तरफ हो जाएंगे तो राइट के लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस परिसर में जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, जो अपना समय देकर इस भाग के शांति के लिए